you. स्टूडेंट्स उमेश को आज हम डिस्कस करेंगे सर जॉन सकलिंग इस कविता के माध्यम से किस प्रकार से अपने रूठे हुए महबूब को मनाने का प्रयास करते हैं उसके दिल को पाने की कोशिश करते हैं उसी बात को आज हम डिस्कस करेंगे प्यार में रूठना है रूठ जाना है मनाना भी है बहुत कुछ चीज़ें लाजमी भी है और सब कुछ जायज़ भी है इश्क में किस प्रकार से रूठते हैं और किस प्रकार से मनाने का प्रयास करते हैं इसी कविता के माध्यम से हम सर जॉन सकलिंग को जानने का प्रयास भी करेंगे मोहब्बत में इश्क में तुम रूठ जाओ तो कोई बात नहीं मान जाने का वादा भी करो इस प्रकार का एक वादा भी पोएट चाहते हैं सर जॉन सकलिंग क्यों अपने महबूब से दिल को वापस मांग रहे हैं इस शिकायत भरे एक नाजुक कविता के बारे में आज हम बात करेंगे हाई प्रति सेंड मी बैक माय हार्ट अ पोएम बाय जॉन सकलिंग सर जॉन सकलिंग बॉर्न इन 1609 वेरी मच बिलोंगिंग टू 17th सेंचुरी एंड डाइड इन वन

रेस्क्यू कराने के ऑपरेशंस में युद्ध में वो फ्रांस को पलायन कर गए एक नाकामयाब प्लान वो साबित हुआ किंग चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करने वाले कैवलियर पोइट्स में जो बहुत महत्वपूर्ण अहम नाम है उनमें सर जॉन सकलिंग का भी नाम अहम है इसलिए सर जॉन सकलिंग को कैवलियर पोइट के नाम से भी जाना जाता है पर लंडन टावर से अर्ल ऑफ स्टाफर्ड को बाहर निकालने की कोशिश में वो नाकाम जब हो जाते हैं तो फ्रांस पेरिस उन्हें भाग जाना पड़ता है और आने वाले गरीबी को वो फेस नहीं कर पाते इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू फेस द पावर्टी अटर पॉवर्टी एंड इन सच सरकम सर जॉन सकलिंग कमिटेड सुसाइड सिर्फ बत्तीस साल की उम्र में सर जॉन सकलिंग ने दुनिया को अलविदा कहा द पोएम इजेंट बाई द स्पीकर हर हार्ट इस कविता के माध्यम से वो एक महिला को युवा युवती को अपने दिल को सरेंडर करने के लिए सौंप देने के लिए वो कन्विंस करना चाहते हैं इतना आसान नहीं है इश्क में किसी के दिल को हासिल कर लेना यू ही नहीं मिलता खजाना इसके लिए पड़ता है उसके गली में आना जाना इस प्रकार से एक शायर ने इस बात को बखूबी कहा है कि कितना मुश्किल है किसी के दिल को कन्विन्स करना और दिल सौंपने के लिए

इनकार भी कर दिया तो ये इनकार शायद मेरे अलविदा कहने से इकरार में बदल जाए इस उम्मीद के साथ सर जॉन सकलिंग अपनी बात को कहते हैं आई प्रीति सेंड मी बैक माई हार्ट सिंस आई कैनोट है स्पीकर बिगिन प्रेट हिज लव शुड रिटर्न टू हिम इसी तकरार से इसी बात से सकलिंग अपनी बात को कहते हैं कि मुझे मेरा दिल वापस दे दिया जाए हिज लव शुड रिटर्न हिज हार्ट टू हिम सिंस आई कैनोट हैव दाइन क्यों क्योंकि मैं तुम्हारा दिल रख नहीं सकता या तुम मेरा दिल रख नहीं सकती इफ ही कैनोट हैव हर हार्ट अगर तुमने मुझे दिल नहीं दिया इसका मतलब मेरे पास तुम्हारा दिल नहीं है मैं उसको पा ही नहीं सका अगर मैं तुम्हारा दिल पा नहीं सकता तो तुम भी मेरा दिल क्यों रखोगी वापस दे दो मेरा दिल इस प्रकार की बात यहां सक्लिंग करते हैं शुरुआत में ही ऐसा लग रहा है कि शायद महबूबा अपने दिल को सकलिंग को देना नहीं चाहती शी इज नॉट रेडी टू शेयर हर हार्ट एंड डेयर फॉर सकलिंग ऑल्सो वॉन्ट्स हिज हार्ट बैक The poet is begging for his heart back from his ex-lover because she has broken it. He then goes on to say that he cannot have her heart. Agar tumhara dil mere paas rahe nahi sakta, dil pas kyu She will not part from her own heart and her ways. She does not want to have to accommodate for anyone other than himself. उसके दिल में अगर मेरे लिए कोई जगह बची नहीं है बाकी नहीं है वो अपने दिल में मुझे जगह देनी ही नहीं चाहती तो मैं भी अपना दिल उसके पास क्यों रखूं? ही देन बिगिन टू आस्क हर अ क्वेश्चन दैट इफ शी डज नॉट वॉन्ट टू गिव हर हार्ट अवे देन वाई शुडेंट शी हैव हिज हार्ट एक सवाल भी पूछते हैं यहाँ पर फॉर इफ फॉर फ्रॉम योर्स यू विल नॉट पार्ट अगर तुम अपने सीने से अपना दिल मुझे नहीं दे सकती वाई देन शूडेंट दाउ हैव माइंड फिर तुम मेरा दिल अपने पास क्यों रखोगी द पॉइट वॉन्ट सर टू चेंज एंड बी अ बेटर वुमेन फॉर हिम बट शी इज नॉट रेडी टू चेंज हर माइंड इस उम्मीद में कवि यहां पर है शायर को लगता है कि शायद बात बन जाएगी वो अपना मन बदल लेगी वो किसी बेटर की तरह पेश आएगी और अपना दिल वापस दे देगी पर ऐसा हो नहीं पा रहा है एंड शी इज नॉट रेडी टू चेंज हर माइंड और महबूबा है कि अपने मन को बदलने के लिए तैयार नहीं है येट नाउ आई थिंक ऑन इट लेट इट लाई फिर कभी सोचते कि उन्हें झूठ बोल दिया जाए एक बार के लिए कम से कम से प्यार में बहुत कुछ लाजमी है जरूरी है और सब कुछ जायज भी ऐसा कहा जाता है टू फाइंड इट वेर इन वेन एंड फॉर अथीफ इन आई आई और स्टील इट बैक अगेन अगर मैं कुछ पल के लिए अपने दिल को तसल्ली देने के लिए झूठ कह भी दू तो उसका कुछ फायदा होगा या व्यर्थ चला जाएगा द पोइट इज दैट इवन इफ

महबूबा ने मेरा मुझे मेरा दिल वापस कर भी दिया वुड जस्ट बैक अगेन बाई सिंपली लुकिंग एट हिम फिर वो नज़र से एक बार मुझे देख लेगी फिर अपने नज़रों से वार करेगी फिर मेरा दिल चुरा लेगी तो दिल वापस करने का कोई तात्पर्य ही नहीं बचता अपनी आँखों से अपनी एक नज़र से दिल चुराने का हुनर तो उसे बखूबी आता है इसलिए दिल वापस लेकर भी कोई फायदा होने वाला नहीं है दिस वर्स इज इंपॉर्टेंट

तो फिर उसका दिल रखने का कोई मतलब नहीं है दिल वापस दे दे एंड सेकेंड फॉर इज हीबल टू डू एंड इवन इफ इट वॉज रिटर्न नथिंग वुड चेंज अब एक असंभव बात की वो कल्पना इस कविता में करते हैं स्टैंडा में और ये पॉसिबल ही नहीं है दिल अगर मैं वापस ले भी लू तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो दोबारा चुरा नहीं पाएगी वो दोबारा फिर से चुरा लेगी और कुछ भी नहीं बदलेगा स्थिति यथास्थिति रहेगी इसलिए कभी इस बात का अफसोस भी यहां जाहिर करते हैं फिर से वो अपने आर्गूमेंट को आगे बढ़ाते हैं हाउ कैन शी नॉट गिव हर हार्ट टू हिम बट होल्ड एंड बोथ हार्ट्स विद इन पोजिशन मुझे अपना दिल भी वापस नहीं दे रही और मैंने तो अपना दिल दे ही दिया है उसे एक ही सीने में दो दो दिल कैसे संभाल पाएगी क्यों रखेगी एंड ये एंड हाउ कैन दीज टू हार्ट लाई विद इन वन बींग एक दिल में एक ही uh, सीने में दो दो दिल कैसे रह सकते हैं उसका और मेरा भी एंड ऑन बीइंग एंड स्टिल नॉट मॉफ टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रांग बॉन्ड अगर एक ही दिल में दोनों दिल रहते हैं और एक साथ इकट्ठे हो नहीं सकते इसका कोई तात्पर्य रह नहीं जाता फिर जिस प्रकार से वो अपने महबूब को चाहता है where is sympathy? इस प्रकार के जालिम स्वभाव को महबूबा दिखा रही है उसको जरासी भी दया नहीं आ रही है शायर को ऊपर उसको जरासा भी तरस नहीं आ रहा है और वो चाहती भी नहीं है जिस तरह से कवि उसको चाहते हैं तो वो इस बात को भी आगे रखते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने उसको चाहा अपने फीलिंग्स को उसके सामने उंडेल कर रख दिया उसी तरह वापस वो इनको क्यों नहीं चाहती

आप को तसली देते हुए फिर ये इस बात को रियलाइज करते कि दिल मांगना भी बेकार है अगर दिल तुम्हारे पास रखना चाहती हो तो रखो क्योंकि वापस लेकर भी कोई फायदा नहीं फिर तुम उस दिल को चुरा लो गेरे तो पास रहने से बेहतर है कि दिल तुम्हारे पास रहे बट लव इज सच मिस्ट्री पर प्यार इस प्रकार का रहस्य है ये तो आग का दरिया है और डूब कर ही तो जाना है प्यार को इश्क को कौन समझ पाया है आज तक आई कैन नॉट फाइंड इट आउट इस मिस्ट्री को इस रहस्य को जॉन सकलिंग भी नहीं समझ पाए फॉर वेन आई थिंक आई एम द बेस्ट रिजॉल्व

इस बात को यहां पर हम सही भी पाते हैं इट्स लाइक ही इज बोथ स्टेटिंग दैट इट इज अस्ट्री प्यार रहस्य ही है दिल दे भी नहीं रही है और दिल अपने पास रख भी रही है दिल चुराना भी जानती है रहस्य अपने आप में इट इज अस्ट्री एंड आस्किंग वाई लव वुड बी सो क्रुअल दैट इट वुड अलाव इट सेल्फ टू विजिपल सो स्ट्रॉन्गली वेन लव इज नॉट शेयड इन इट्स एंट्रीट एंटाटी और नॉट एंटायरली विद इन आर कंट्रोल प्यार सामने तो दिखाई देता है हासिल किया जा सकता है ऐसा लगता तो है पर प्यार इश्क हाथ में आता नहीं है ये रहस्य कभी अपनी जिंदगी में अभी तक समझ नहीं पाए ऐसा लगता है कि उन्होंने प्यार को पा लिया पर प्यार के रहस्य को An idea that is reinforced when he states that even when he believes that he has managed to work through it, he finds himself even more confused than ever because the balanced part of his mind disagrees with his emotional self. Hence, the paradoxical style, mystery that people often encounter when trying to reason through the love and heartbreak by using logic and forethought. अपने विचारों से या किसी तर्क के आधार पर हम दिल को बहला तो सकते हैं पर प्यार को आसान हास, हासिल करना इतना भी आसान काम नहीं है यहाँ तर्क नहीं चलते यहाँ पर लॉजिक नहीं चलते यहाँ पर विचार भी नहीं चलते दिल अपने तरीक़े के तरीके से धड़कते हैं और दिल एक दूसरे के लिए अपने तरीके से ही धड़कना जानते हैं इसलिए कभी इस बात को कभी रहस्य को समझ नहीं पाया फिर देन फेयरवेल केयर

फिर मैं ये कल्पना कर लूँगा कि उसका दिल भी मेरे पास है अपने आप को इसी तरीके से मैं तसल्ली दे दूँगा फिर ज़्यादा परवाह करने की चिंता करने की शोक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी इट सीम्स लाइक इट हैज़ अफेक्टेड हिम हार्ड ऐसा लगता है कि महबूबा के नकार ने उसके इनकार ने शायर के ऊपर बहुत गहरा असर डाला है एंड ही इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट वाई और वो बताने की कोशिश भी कर रहे हैं द पॉइट इज डन केयरिंग अबाउट लव अब प्यार की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है क्यों अपने आप को रात दिन इस दर्द में डुबो कर रखना एंड ऑल्सो डन वरिंग अबाउट इट ही विल नो लॉन्गर सर्च फॉर लव प्यार को तलाश करने की जरूरत ही नहीं है द pretend ऑल the woman ही loves लव हिम इक्वली एज मच एज ही अब यहाँ पर एक झूठी तसल्ली कवि अपने आप को देना चाहते हैं मैं जितना उसे चाहता हूं वो भी मुझे उतना ही चाहती होगी इस बात से अपने आप को तसल्ली देते हैं सो नाउ सिंस ही टू लव्ड जब वो इस बात को स्वीकार करना चाहते हैं कि उन्हें प्यार किया जा रहा है ही डजेंट वरी फिर उन्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है और केयर अबाउट इट एनी अभी प्यार वो करती है नहीं करती है दिल लेती है कि नहीं लेती है इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं हेंस द टू लाइंस दैट कम बिफोर ही गेव हिज हार्ट टू अ वुमन हाउएवर शी डिड नॉट गिव ही हर्ट्स अपना दिल तो दे देते हैं बदले में वो अपना दिल नहीं देती पर फिर भी द स्पीकर इज पजल्ट स्पीकर जो बोलने वाले कवि है वो कंफ्यूज है बाय दिस बिकॉज इफ ही ही लव्स हर कांट शी लव हिम बैक बस एक ही शिकायत है मैं अगर उसे चाहता हूं तो वो मुझे क्यों नहीं चाहती ही कंटिन्यूस टू क्वेश्चन वाई लव ईच अदर एंड कॉल्स लव ए मिस्ट्री फिर वो अपने सवालों को आगे जारी रखते वाई कांट दे लव ईच अदर क्यों नहीं वो एक दूसरे से प्यार कर सकते एंड कॉल्स लव ए मिस्ट्री एक दूसरे से प्यार कर लेंगे और प्यार को एक रहस्य घोषित कर देंगे दैट ही कांट फिगर आउट वो खुद नहीं समझ पा रहे एंड एट द एंड ही कम्स टू द कंक्लूजन दैट ही इज डन विथ लव एंड विल स्टॉप केयरिंग अबाउट इट फिर अंत में वो अपने आप को समझाते हैं कि मैं प्यार के इस जिद को छोड़ दूंगा अपने आप को तसली दूंगा कि वो मुझे भी वो भी मुझे चाहती है प्यार को हासिल करने का सिर्फ़ एक ही जरिया हो सकता है अपने आप को हार जाना जीत कर आ, हम दिल को हासिल नहीं कर सकते इसलिए इस बात को सर जॉन सकलिंग ने अपने तरीके से बताने की कोशिश की है और इश्क का एक ही है आप किसी को भी कितना भी चाहो कोई पाबंदी कोई बंदिश आपके ऊपर नहीं है सिर्फ बयाँ मत करना जब हम बयाँ करते हैं तो प्यार की पाकिजगी को गवा देते हैं थैंक यू वेरी मच